हमने इंसाफ मंद इसीलिए किया था कि हम पार्टी कांग्रेस के अंदर से थे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं सुन रही। आज भी वो इंसाफ मंच जिंदा है, सोशल काम करते हैं। नई पीढ़ी को मशाल देने का समय आ गया। अब यहाँ तो यूँ कहो कि ये मशाल लेकर के पानी में जाकर के डूबो लो, और यहाँ यूँ कहो कि उसमें गंदे लोगों को ढाक खा करके जैसे पैरिस पैरिस के अंदर भारत जा रहे हैं, इसी तरह से उठाए रखो आदमी को कल से। आज सवाल ये है कि हमारे को अगर संगठित रहना है आने वाले समय के लिए, तो फैसला आज करना होगा। इलेक्शन हमारे से 2-4 महीने के बाद आने वाले हैं, हम एंड टाइम के ऊपर तो हमको बदलाने के लिए कई लोग आ जाएंगे, चलने लायक इतने बने नहीं, लेकिन चुभने लायक तो हमेशा रहेंगे। एक भी हल्का महेंद्रगढ़ भिवानी सीट के अंदर रिजर्व नहीं है, तो भाई गुड़गांव के अंदर 2-2 रिजर्व क्यों 50 साल से है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज अगर मैं जाना चाहता हूँ तो इसी वास्ते जाना चाहता हूँ कि मैं इंसाफ पसंद हूँ और उस इलाके से आता हूँ जहाँ के लोग इंसाफ पसंद है। और पार्टियां तो अपना हिसाब देखती हैं, हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी हमारी बात सुन रही है, तो भले भले नहीं सुन रही है तो कम से कम तो क्यों नहीं सुन रही, हमने बनाई भाई, हमने बनाई है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज आपको राव इंद्रजीत सिंह के कोसली और कोसली विधानसभा क्षेत्र के ही गांव जाटूसाना की 2 जनसभाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि आज की जनसभाओं में राव इंद्रजीत ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है और वह क्या कहना चाह रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह के भाषण की आज 2 बड़ी बातें हैं, बातें कई है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 बातों की चर्चा कर रहा हूं और उनकी बातें शेष बातें आप मेरे वीडियो के अंत में उन्हीं के भाषण से आप सुन सकते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज अपनी बातें कही है, तो एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तक यह संदेश पहुँचाने का प्रयास किया है कि इंसाफ मंच हमने कांग्रेस के राज में तब बनाया था जब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था, तब हमें इंसाफ मंच बनाना पड़ा था। उन्होंने यह भी कह दिया कि इंसाफ मंच आज भी जिंदा है, लेकिन उन्होंने डॉट 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 लगा करके अपनी बात अधूरी छोड़ दी और उन्होंने एक वाक्य में बात पूरी कर दी कि अभी इंसाफ मंच सेवा क्षेत्र में सेवारत है, सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, जरूरत पड़ी तो ये इंसाफ मंच राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्यरत हो जाएगा। राव इंद्रजीत ने पहला संदेश यही दिया है कि इंसाफ मंच इंसाफ मांगने के लिए है, कांग्रेस के राज में इंसाफ नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के राज में हमें एम्स भी मिला और कुछ दूसरी चीज़ें भी मिली, लेकिन उतना नहीं मिला जितना हमें मिलना चाहिए था। अब टिकटों की जो बारी आएगी उसमें देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है। और राव इंद्रजीत की ये दोनों जो सभाएं थी इनमें यही संदेश था कि हमें आने वाले चुनाव में पूरा मान सम्मान दिया जाए, हमारे साथियों को मान सम्मान दिया जाए, यही राव इंद्रजीत का था संदेश देने का प्रयास था। और वे धन्यवाद करने लोगों के बीच गए थे, उन्होंने कोसली में लोगों का धन्यवाद किया, अपने पूर्वजों के अतीत से कोसली के गौरव को जोड़ा और उन्होंने बड़ी बात एक परिसीमन को लेकर के कही। उन्होंने लोगों को ये बताया कि अगर खूंटा मजबूत नहीं होगा, अगर हम मजबूत नहीं होंगे, हम एकजुट नहीं होंगे तो हम में फूट डाली जाएगी और ये एकजुटता आज ही दिखानी होगी, कल नहीं। चुनाव के समय तो हमें बहकाने वाले बहुत सारे आएंगे, इसलिए मिल करके अभी फैसला लेना होगा, आज ही फैसला लेना होगा। और फैसला ये होगा कि एक खूंटे के बंद करके रहना पड़ेगा और ये फैसला ये लेना होगा कि युवा नेतृत्व को आगे करना होगा। इस युवा में आरती राव भी है और दूसरे युवा साथी भी हैं। उन्होंने एक संदेश यह भी दिया कि जो बार बार उनकी जीत हो रही है पिछले 50 साल से, उनका जो परिवार जो है, उनका जो वर्चस्व राजनीति में बना हुआ है, इसके पीछे पार्टियां तो है लेकिन पार्टियों से अधिक उनके कार्यकर्ताओं की भूमिका है। अगर कार्यकर्ता साथ नहीं देते तो केवल पार्टियों के साथ से इतनी लंबी सफलता उन्हें नहीं मिल सकती थी। राव इंद्रजीत ने हमेशा की तरह फिर एक बार ये बात दोहराई कि नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र को जितना दिया, इस देश को जितना दिया, नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें कोई शिकायत नहीं है, उस पर उन्हें गौरव है। उनके पिता ने जिन प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, उन्होंने जिन प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, उनमें नरेंद्र मोदी का काम सबसे श्रेष्ठ है।
उन्होंने ये कहा कि लक्ष्मण सिंह यादव जैसे विधायक हमने बनाए, अपने भाई का विरोध करके बनाए, लक्ष्मण सिंह यादव चुनाव जीते लेकिन मुख्यमंत्री उनके कार्य क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए। और ऐसा ही उनके समय भी एक बार हुआ था। अभी जो मुख्यमंत्री अब तक के हुए हैं वह नेता देना नहीं चाहते, अगर वह यहाँ आएंगे तो नया नेतृत्व विकसित होगा, पर यहाँ के क्षेत्र में, अहिरवाल के क्षेत्र में नया नेतृत्व विकसित होने नहीं देना चाहते। उनका इशारा प्रादेशिक नेतृत्व पर रहा, प्रदेश के विभिन्न नेताओं पर रहा, चाहे वे कांग्रेस के रहे चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के रहे, वे अतीत से लेकर वर्तमान तक की बात कर रहे थे। राव ये बताना नहीं भूले कि एसएस बोर्ड का एक सदस्य उनके कहने से बना, तो इस बार अहिरवाल में बिना भेदभाव के नौकरियां मिली, और बिना भेदभाव के नौकरियां मिली उसका फायदा सबसे ज़्यादा अहिरवाल को इसलिए मिला क्योंकि यहाँ का बौद्धिक स्तर किसी से कम नहीं था। पहले नौकरियां कम मिलती थी, उनके टाइम में भजनलाल से लड़ झगड़ करके किसी तरह कुछ नौकरियां दे पाए थे, लेकिन जितनी नौकरियां अब मिली उतनी नौकरियां नहीं मिल पाई थी। और इसका कारण रहा कि सीधे सीधे एसएस बोर्ड में उनका भी एक प्रतिनिधि बैठा था और एसएस बोर्ड में भर्ती काफ़ी ईमानदारी से हुई। राव ने बहुत बेबाकी से कहा कि हम चलने लायक बेशक नहीं रहे लेकिन चुनने लायक हमेशा रहे हैं। उनका इशारा ये था कि जिनको विधायक बनाएंगे हम बनाएंगे, हमारी भूमिका रहेगी। जो राव ने यह बताने का प्रयास भी किया कि दब्बू बनकर नहीं रहना है, जो दब्बू रहेंगे उनकी कोई पार्टी नहीं सुनेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, नेतृत्व मजबूत होगा तो ही आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अन्यथा जिस तरह परिसीमन में पहले कनीना खत्म किया गया, जिस तरह सालावास खत्म किया गया, जिस तरह जाटूसाना खत्म किया गया, इसी तरह आगे इलाके खत्म होते रहेंगे। उन्हें इस बात की भी शिकायत थी कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में बावल और पटौदी दो दो विधानसभा क्षेत्र वर्षों से आरक्षित है। राव इंद्रजीत ये स्पष्ट करना नहीं भूले कि वह आरक्षण के विरोध में नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें आरक्षित होनी ही चाहिए, लेकिन एक सीट को लगातार आरक्षित रखना दूसरे को हक से वंचित करना है। राव ने इन्हीं सब बातों पर जोर दिया। राव ने आज 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए, उनकी बेटी ने भी अलग से मुद्दे उठाए। राव ने आज अहिर रेजिमेंट पर भी बात की, राव ने आज अहिर कॉलेज के मुद्दे पर भी बात की, राव ने आज विक्रम ठेकेदार के मुद्दे पर भी बात की, राव ने आज कोसली भाखली विवाद पर भी बात की। राव ये बताना भी नहीं भूले कि उनकी मजबूत पैरवी के कारण ही केंद्रीय विश्वविद्यालय आज यहाँ पर है, सैनिक स्कूल यहाँ पर है, भले ही वह कांग्रेस के राज में बने हैं लेकिन इसके लिए यहाँ का मजबूत नेतृत्व जो है वो श्रेय लेने के लिए पात्र है, और उनकी ठोस पैरवी के कारण ही इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाएं अहिरवाल को मिली है। आप आगे चलकर राव इंद्रजीत की बातों को खुद सुन लीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। और उसका जब विभाजन हो गया महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन आयोग की वजह से, तो गुड़गांव से मेरे को लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। मैंने चाहता था कि मैं जाटूसाना चुन, मैं नहीं चाहता था कि जाटूसाना के नाम से जो हल्का बजा करता था वो खत्म हो, मैं नहीं चाहता था कि सालावास वाला जैसा हल्का है वो खत्म हो, मैं नहीं चाहता था कि कनीना जैसा हल्का एक जमाने के अंदर हमारे यहाँ पर हुआ करता था वो खत्म हो, मैं नहीं चाहता था कि हमारा विभाजन हो और लोग मन और मन के अंदर खुशी यूं हो रहे हो कि हमने तो इस अहिरवाल क्षेत्र को, चाहे नाम अहिरवाल हो लेकिन छत्तीसगढ़ भी जो इसके अंदर रहती है, इसके संगठन की मुट्ठी हमने खोल दी है, इनको अलग अलग जगह के ऊपर पाट किया है। लेकिन जिंदगी जिधर ले जानी उसे मैंने कहा वहाँ जाना पड़ता है। और जो लोग यूँ सोच रहे थे कि हम कमजोर कर दिए इन लोगों को, आज के दिन वो शायद अपना माथा ठोक रहे होंगे कि ये 10-12 सीटों के ऊपर जो एरिया हुआ करता था उनका दो तो कम से कम लोकसभा सीट के ऊपर प्रबल दावा है, और एक सीट के ऊपर हार जीत का फैसला करने वाला भी यही क्षेत्र है। और जब हम जॉइंट पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, आप याद करो कि उस टाइम प्रताप सिंह कैरों की वजारत के अंदर अगर मेरे पिताजी को कैरों साहब ने अलग किया था
अपनी वजारत से इसीलिए किया था कि हम इस वक्त के हरियाणा के लिए हक मांग रहे हैं, मेरे बाबू जी हक मांग रहे हैं। और जब कहते हैं कि भाई कई बार कहते हैं कि इनको तो कई साल हो गए, तो मैं आज उनको ये स्पष्ट भी कर देना चाहता हूँ, कई साल तो हो गए लेकिन बार बार जीतने के अंदर सहयोग अगर पार्टी का है तो उससे अव्वल सहयोग मेरी जनता का है, मुझे बार बार मिलेगा। और सिर्फ 50 साल की बात नहीं है, आप मेरे पिताजी का कार्य देखोगे तो 52 से लेकर के 90 तक 40 साल के ऊपर ही हो गए। राव वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन आप लोगों का कभी भी जब बात आई तो आप लोगों के विषय के अंदर कभी पीछे नहीं है। इससे पहले दादा थे राव बलबीर सिंह, जो ज्वाइंट पंजाब हुआ करता था उसके अंदर भी राव बलबीर सिंह MLA हुआ करते थे, MLC हुआ करते थे। तो जो यूँ कहते कि 50 साल इनको हो गए, बहुत हो गया, मैं यूँ कहता हूँ 50 साल क्यों कहते हो, यूँ कहो 100 साल हो गए। पर 100 साल के अंदर कुछ तो बात देखी होगी कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, कुछ तो लोगों ने, आपके दादा ने, पिता ने, आपकी आने वाले पीढ़ी के बच्चों ने कुछ तो देखा होगा कि मेरे जैसे को भी यहाँ से 4 बार और लोकसभा के अंदर 5 साल का है। और मैं यूँ कहता हूँ कि मुझे नफा हुआ हो या नुकसान हुआ हो, एक चीज का मुझे फख्र है, एक चीज का मेरे पिताजी को भी फख्र था कि भाई जब इलाके साथ दुभात होती है, इलाके साथ बेइज्जती नजर आने लग रही होती है तो खड़ा होकर के उस आवाज को उन्होंने बुलंद किया, इलाके की आवाज को बुलंद किया। आज हमारी पार्टी तीसरी बार, शायद पहले कोई इस तरह की बात हुई नहीं होगी कि तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री लगातार बनाओ, नरेंद्र भाई मोदी बने, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आपने हमें सबने मिलकर के सहयोग किया, सारे देश ने सहयोग किया। लेकिन हमारे यहाँ जो पिछले बार के अंदर सहयोग था उससे कम रहा, क्योंकि हमारे पास केवल 5 सीट है, तो उसके अंदर केंद्र सरकार की मैं भूल नहीं मानता। केंद्र सरकार के अंदर आज के दिन जितना प्रयास आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी करते हैं कि भाई देश उन्नत हो, सरकारी स्तर विकसित हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री इतना काम नहीं किया। आज सवाल ये है कि हमारे को अगर संगठित रहना है आने वाले समय के लिए तो फैसला आज करना होगा। इलेक्शन हमारे से 2-4 महीने के बाद आने वाले हैं, हम एंड टाइम के ऊपर तो हमको बदलाने के लिए कई लोग आ जाएंगे। आप लोगों को यूं मैं कहता हूं कि ये लक्ष्मण सिंह को हमने चुना, इसका समर्थन किया, 5 साल का लक्ष्मण सिंह के यहां कोई चीफ मिनिस्टर आपकी गूंज लेने के लिए आया नहीं आया, जो भी किया इस विचार ने खुद मशक्कत करके कर दी। मैं MLA था तो मेरे टाइम के ऊपर भी 5 साल तक, जब पहली बार मैं दूसरी बार MLA बना था तो कोई चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ नहीं, हमारे बुलावे भी नहीं आया कि भाई अगर ये इसके यहाँ पर चले जाएंगे ये नेता ना बन जाए। एक बात तो है कि बराबर के तौर के ऊपर वितरण किया हमारे संपत्ति हरियाणा की, देश की, लेकिन यहाँ का नेता पैदा ना हो जाए ये कोशिश अनेक पार्टियों की करी गई, क्या इस बात से मेरे से सहमत हो? आने वाले समय के अंदर हमारे को ऐसे नेता रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज के दिन लोग पहले तो खेती बाड़ी के ऊपर जो निर्भर था उसी से वो संतुष्ट था, जब अपनी फसल लहराती हुई दिखाई देती थी तो किसी को गिरता थोड़ी था, सिर्फ पटवारी को गिरता होगा, तहसीलदार को गिरता होगा, बाकी नेताओं को तो कोई भी नहीं गिरता। आज के दिन लोगों की
धरती कम हो गई है, काम यहाँ पर घर के अंदर कम हो गया है, गुर्बत का सामना करना पड़ा है, बच्चे चार चार हो गए, नौकरी लगवाने की कोशिश करते हैं। नौकरी भी हमारे को जिस तरह से मिला करती थी वो भी सोनी हुई थी, जब हमारा प्रोफेसर आते नहीं है कल वहाँ पर ना प्रोफेसर हंस रहा। ऐसे बोर्ड का मैंने सदस्य बनवाया और वो 5 साल रहा, और 5 साल के अंदर जब वो रहा तो ये उसकी जो स्पष्ट मेरे को करके आंकड़ों के हिसाब से दिखा दिया कि जितना मेहनत कश यहाँ का बच्चा है नौकरी लगने के अंदर, उतना शायद हरियाणा का और कोई क्षेत्र का नहीं है। बस हजारों के तादाद के यहाँ के अंदर बच्चे लगे ऐसे रोड के बाद आज भी लग रहे हैं। लेकिन लोगों को इस बात की शिकायत है कि हम तेरे साथ 20 साल से 50 साल से 100 साल से है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं लगवाया है। अभी भी मेरे को उठाने मिलते हैं कि तेरे को बार बार हमने बनाया है, तेरा बाप तेरा साथी कर लिया, दादा तेरा साथी कर लिया, नहीं कर पा। और एक बात जब मैं करवा पाया था उसका भी मैं जिक्र कर लेता हूँ आपको कि बच्चे लगवाने का काम हमारा जिम्मा था, कोशिश करी। और जब मैं दूसरी बार वजारत में था हरियाणा के अंदर 1982 से लेकर 87 तक तो लेबर फॉरेस्ट का महकमा था, भजनलाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक बोर्ड गठित कर दिया कि ये बोर्ड फैसला करेगा पेड़ कितने कहाँ पर लगेंगे वगैरह वगैरह। पर एक चीज भूल गए कि उनको ये अख्तियार नहीं दिया कि फॉरेस्ट के अंदर जो वेकेंसीज है वो कौन लगाए। और उनके पता होने से पहले ही मैंने 212 अपने इस जाटीसाना क्षेत्र के फॉरेस्ट के अंदर लगवा दिए। 87 के इलेक्शन के अंदर मुझे याद है आज भी कि जब मैं वोट मांगने गया तो वो बोला कि तुम्हें कृष्ण के छोरे को तो लगा दिए, तुम्हें श्री राम के छोरा को लगा दिया, महाराज नहीं लगाया, अब श्री राम ही वोट दिलेगा। चलने लायक इतने बने नहीं लेकिन चुभने लायक तो हमेशा रहे। और अगर हमारे साथ बगैर नाइंसाफी होती थी तो मैंने एक इंसाफ मंच भी बनाया था, उसके भी सदस्य आज के दिन कहीं दली बैठा बैठा। हमने इंसाफ मंच इसीलिए किया था कि हम पार्टी कांग्रेस के अंदर से थे लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं सुन रही, आज भी वो इंसाफ मंच जिंदा है, सोशल काम करते हैं। बैठे 1857 के बाद इस क्षेत्र के लोगों को तो रेजिमेंट को छोड़ो, अंग्रेजों के जमाने के अंदर इसको हथियार का लाइसेंस भी देना नामंजूर था। और मेरे दादाजी और बड़े दादाजी समझ लो पहले विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों के सैनिकों की जरूरत थी तो जहां 247 सैनिक कोसली से गए थे कुल मिलाकर के अहिरवाद की तरफ से उस टाइम की अंग्रेजी फौज के अंदर 5,000 सैनिक अंग्रेजी युद्ध के अंदर इस क्षेत्र में दिए थे, जब इसे आना जाना फौज के अंदर इस कार्य का शुरू हुआ। हमारे कोसली वालों कहानी जो मैं बता रहा था आपको वो ये थी कि 2004 के अंदर मैं महेंद्रगढ़ की जनता ने सभी 36 बिरादरी में मिल करके और मेरे को एमपी बना दिया और उस टाइम के ऊपर कांग्रेस का शासन हुआ करता था और मेरे को रक्षा राज्य मंत्री बना दिया। और चर्चा हुई कि भाई हमारे को यहाँ पे सैनिक स्कूल चाहिए तो मुलायम सिंह यादव फुल फ्लेज डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उनके सामने मांग रखी गई थी कि हमारे रिवाड़ी के अंदर एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह जी आए और मुलायम सिंह जी चले गए और सैनिक स्कूल नहीं बना। और जब मैं रक्षा राज्य मंत्री बना उस टाइम के ऊपर मैंने कहा कि सैनिक स्कूल हमारे एरिया की बहुत पुरानी मांग है, इसको सैनिक स्कूल को रिवाड़ी के अंदर बनाओ। लेकिन विवाद चढ़ गया कि भाई नहीं मात्र है झज्जर के अंदर बनना चाहिए।
और ये कसम कश एक साल चली, डेढ़ साल चली, आखिर में मैंने आकर के ठोक करके यूं कहा कि अगर झज्जर के अंदर रेवाड़ी से फालतू अगर सैनिक हो तो झज्जर माधव भेज में बना लो, और अगर झज्जर में रेवाड़ी से घाट सैनिक हो तो मैं रेवाड़ी के अंदर बना लो। एक मेरे कानों में जब ये बात आई कि कोसली वाले धरना दे रहे हैं, बाइकॉट कर रहे हैं इलेक्शन, अरे यही तो राजनीति के अंदर, यही तो प्रजातंत्र के अंदर तुम्हारी ताकत है, इसको घर बैठ करके खो नहीं दो। ये मत कभी दोबारा सोचना कि हम बाइकॉट कर रहे हैं इलेक्शन, हमारे को आपकी जरूरत है। अरे वोट की जरूरत है दक्षिण यारा के बंदे बंदे की, नहीं हम महिला की, हमारे को वोट की जरूरत है। अगर राजनीतिक ताकत हमारे पास नहीं होगी तो कैसे आपका ब्लॉक बनेगा, कैसे आपके यहाँ पे मिस्टिंग बनेगी, और कैसे भागवत से और 152 डी तक कुवाया कोस की होकर के इसको रास्ते को जोड़ना हो संभव होगा, नहीं हो पाएगा। एक चीज समझाने के लिए और कहना चाहता हूं, पहले मैं महेंद्रगढ़ से था, डिलिमिटेशन हुआ, गुड़गांव बन गया, गुड़गांव लोकसभा सीट के अंदर दो हल्के रिजर्व है, एक बिरला चौधरी यहां से आती है बटौली, और एक सालाबाद पावर जहां से डॉक्टर बनवाई लाल आते हैं। 50 साल से इस क्षेत्र के दो हल्के रिजर्व हैं। हमारे बगल के अंदर भिवानी बड़े नेता का जिला हुआ करता था, आप किन लोग भिवानी, तोशाम, दुहारू, बाड़ा, दाबी, इनमें से एक भी कोई हल्का रिजर्व है? दो दो रिजर्व क्यों 50 साल से है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हिसाब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी
हमारी बात सुन रही है, सुन रही है तो भले भले, नहीं सुन रही है तो कम अज कम तो क्यों नहीं सुन रही, हमने बनाई भाई, हमने बनाई है, हमारी सुन क्यों नहीं रही। तो जब तक इस तरह की बात अपने आप राजनीति के अंदर नहीं लाओगे, अगली पीढ़ी के अंदर हमारे को गप्पू परिवर्तन के नेता नहीं चाहिए। इसके बारे में भी सोचो कि आने वाले हमर आप कैसे बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं, 50 साल 70 साल की 74 साल का मैं हो गया, हमारा टाइम हो गया, जवानों का टाइम शुरू है। अगर अब हम उनको नहीं देंगे, फिर कम देंगे, हमारे होते होते उनको व्यवस्था पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इस चीज के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।